अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास मैट्रिक एंड वेलकम बैक टू मैथ क्लास। जैसा कि प्रीवियस क्लास के अंदर हमने लाज ऑफ लागत हम किए थे, तीन लाज थे। कौन कौन से लाज थे? प्रोडक्ट लॉ, क्वेश्चन लॉ और पावर लॉ। तो उस लॉ के बुनियाद पे हमारी एक्सरसाइज 3.3 का जो फर्स्ट पार्ट दे रहा है, कंडीशन दे रहा है फर्स्ट वाली, वो उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो वो फर्स्ट पार्ट जो हम कर रहे हैं, तो फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या दे रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लागत हम टर्म्स। क्या बोल रहा है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग लागत हम, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लागत हम इन द टर्म ऑफ इन द टर्म ऑफ लॉग ए एक्स, लॉग ए वाई एंड लॉग ए जेड। अब क्या करना है कि एक्सप्रेस करके रखना है, अलग अलग करके रखना है, किसको? लॉग ए एक्स को, लॉग ए वाई को, लॉग ए जेड। अब वहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन होगी उसको पहले उस कंडीशन के हिसाब से सिंपलीफाई करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, जो फार्मूला अप्लाई होगा लागत हम वाला, उस वो वाला ला हम अप्लाई करके उसको सेपरेट करते जाएंगे। तो जैसे कि नंबर वन प्रॉब्लम दे रहा है, लॉग ए एक्स क्यूब वाई ओवर जेड। अब लॉग ए एक्स क्यूब वाई ओवर जेड, अब ये दोनों टर्म आपस में क्या डिवाइड कर रहे हैं, ये हमारी m हो गई, ये हमारी n होगी, इन दोनों को अलग अलग करके रखना है। तो सॉल्यूशन log a x क्यूब y ओवर डेट एज, यहाँ पे कंडीशन कौन सी, log a m ओवर n किसके बराबर होता है, log a m माइनस log a n। पहले क्या, इन दोनों को सेपरेट करो डिवीजन लॉग के हिसाब से, तो ये क्या बनेगा, लॉग ए एक्स क्यूब वाई माइनस लॉग ए जेड। अब जेड एक्सप्रेस हो गया, अब इसको एक्सप्रेस करना है अलग अलग करके। अब ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। ये जो पावर है जस्ट एक्स के ऊपर है, अगर दोनों के ऊपर होता तो पावर लॉग के हिसाब से भी करते, या फिर हम दोनों को अलग अलग पावर देते। तो यहाँ पर क्या हमारे पास मल्टीप्लीकेशन, तो मतलब क्या, प्रोडक्ट लॉ, लॉग ए लॉग ए एम इंटू एन किसके बराबर, लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन। मतलब क्या, इसको सेपरेट करके रखो किसके हिसाब से, प्लस के हिसाब से। तो ये कंडीशन क्या बनेगी हमारी, लॉग ए एक्स क्यूब प्लस लॉग ए वाई माइनस लॉग ए जेड, सेम लिख के आगे। अब यहाँ पे क्या, क्यूब पावर है, तो यहाँ पे कंडीशन कौन सी, पावर लॉ एज लॉग ए एम पावर एन, तो किसके बराबर है, एन लॉग ए एम। मतलब क्या, पावर आगे लेके आओ, तो ये क्यूब वाला पावर जो है आगे आ जाएगा, तो ये क्या होगा, थ्री लॉग ए एक्स प्लस लॉग ए वाई माइनस लॉग ए जेड। अब देखो जो हमने किया, लॉग ए एक्स, लॉग ए वाई, लॉग ए जेड में सेपरेट हो गया, हर एक को अलग अलग करके रख लिया ये टर्म में, तो ये क्या होगा हमारा आंसर, ये क्या होगा हमारा आंसर। ये जो फर्स्ट वाली पार्ट है वो इसी कंडीशन के हिसाब से, तो उसके कुछ प्रॉब्लम और करवा लेता हूँ। जैसे कि प्रॉब्लम नंबर थर्ड दे रहा है, प्रॉब्लम नंबर थर्ड के अंदर क्या दे रहा है हमारे पास, लॉग ए क्यूब रूट ऑफ एक्स पावर माइनस वन स्क्वायर रूट ऑफ वाई क्यूब डिवाइडेड बाय वाई क्यूब अंडर रूट एक्स, ये होल अंडर रूट। अब यहाँ पे देखो वेरिएबल सेम है, हाँ है, एक्स एक्स वाई वाई, पर वेरिएबल सेम है। तो पहले क्या करो, इसको अंदर वाले टर्म को सिंप्लीफाई करो, अगर दो सेम वेरिएबल सेम है या तीन वेरिएबल सेम है, उसको पहले क्या करो, सिंप्लीफाई करके एक सिंगल वेरिएबल के हिसाब से रख लो। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करें, तो सॉल्यूशन, तो लॉग ए सेम
ये क्या हमारा ये इस क्यूब रूट का मतलब क्या, ये जो क्यूब रूट है इसके ऊपर भी दो, इसके ऊपर भी, ये क्या होगा एक्स पावर माइनस वन सेम। ये अंडर रूट जो है वह सिर्फ वाई के ऊपर, वाई क्यूब, ये अंडर रूट वन ओवर टू, और ये क्यूब रूट का मतलब क्या पावर वन ओवर डिवाइडेड बाय, इस अंडर रूट का मतलब क्या ये दोनों के ऊपर, ये वाई क्यूब, इस अंडर रूट का मतलब क्या जस्ट एक्स के ऊपर, एक्स पावर वन ओवर टू, और ये अंडर रूट सेम वन ओवर, ये ब्रैकेट क्लोज। आज सिंप्लीफाई करो तो लॉग ए, ये जो पावर है इस पावर के साथ मल्टीप्लाई, इस पावर के साथ भी मल्टीप्लाई, मतलब एक्स पावर माइनस वन मल्टीप्लाई बाय वन ओवर थ्री, वाई क्यूब सेम, ये पावर जो होगा इसके साथ मल्टीप्लाई वन ओवर टू मल्टीप्लाई वन ओवर थ्री डिवाइडेड बाय, ये जो पावर वन ओवर टू है इस पावर के साथ मल्टीप्लाई तो इस थ्री के साथ भी मल्टीप्लाई, वाई पावर थ्री मल्टीप्लाई बाय वन ओवर टू इंटू एक्स पावर वन ओवर टू मल्टीप्लाई बाय वन ओवर टू, ये ब्रैकेट क्लोज। सिंप्लीफाई करो अगेन तो ये कंडीशन क्या बनेंगी हमारी, तो लॉग ए सेम, तो ये पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स पावर माइनस वन ओवर थ्री, ये पावर वाई क्यूब सेम, अब ये जो पावर है मल्टीप्लाई करेंगे ये इस पावर के साथ क्या होगा पावर टू पावर ला, तो ला पावर ऑफ पावर, तो पावर आपस में क्या मल्टीप्लाई, तो वन ओवर थ्री इंटू वन ओवर टू, तो ये क्या होगा वन ओवर सिक्स, थ्री मल्टीप्लाई बाय वन ओवर सिक्स डिवाइड की सिंबल सेम, वाई पावर थ्री ओवर टू, और ये एक्स पावर वन ओवर फोर, ये ब्रैकेट क्लोज। तो थ्री की वन टाइम यहाँ पे टू टाइम, तो ये क्या होगा लॉग ए एक्स पावर माइनस वन ओवर थ्री, वाई पावर वन ओवर टू डिवाइडेड बाय वाई पावर थ्री ओवर टू, एक्स पावर वन ओवर फोर। अब ये टर्म और ये टर्म आपस में क्या डिवाइड कर रहा है, अगर डिवाइड कर रहा है तो पावर क्या होते हैं सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो बेस सेम है तो पावर क्या होगा सब्ट्रैक्ट, लॉग ए, अब ये भी एक्स है ये भी एक्स, तो ये एक्स पावर माइनस वन ओवर थ्री सेम, ये पावर इस पावर के साथ क्या होगा माइनस होगा वन ओवर फोर, ये वाई पावर वन ओवर फोर सेम, ये पावर इस पावर के साथ क्या होगा वन ओवर टू सेम, ये पावर इस पावर के साथ क्या होगा माइनस होगा माइनस थ्री ओवर टू, तो ये क्लोजिंग। तो लॉग ए ये क्या बनेगा हमारे पास एक्स पावर एल सेम क्या आएगी ट्वेल्व, माइनस का फोर माइनस का सेवन थ्री, वाई पावर एलसीएम क्या आएगी टू वन माइनस थ्री, तो सिंप्लीफाई करो लॉग ए एक्स पावर माइनस सेवन ओवर ट्वेल्व, वाई पावर माइनस टू ओवर टू, तो ये टू टू कैंसिल, तो ये क्या कंडीशन बनेगी लॉग ए एक्स पावर माइनस सेवन ओवर टू वाई पावर माइनस वन, अब यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या प्रोडक्ट ला एज लॉग ए एम इंटू एन विच इज इक्वल टू लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन, तो आज सेपरेट करो तो ये कंडीशन क्या बनेगी हमारी लॉग ए एक्स पावर माइनस सेवन ओवर ट्वेल्व प्लस लॉग ए वाई पावर माइनस वन, अब यहाँ पे भी पावर है यहाँ पे भी पावर है, तो यहाँ पे कंडीशन कौन सी होगी हमारी पावर ला, तो एज लॉग ए एम पावर एन, पावर लॉग के हिसाब से क्या होगा पावर आगे फ्रंट वाली साइड में कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई एन लॉग एम, तो ये माइनस वन सेवन ओवर ट्वेल्व आगे आ जाएगा, ये क्या होगा माइनस सेवन ओवर ट्वेल्व लॉग ए एक्स प्लस एम, ये माइनस वन आगे आ गया, ये क्या बनेगा लॉग ए वाई, ये सेम माइनस सेवन ओवर ट्वेल्व लॉग ए एक्स माइनस प्लस माइनस लॉग ए वाई, अब इसके आगे वन रखे ना रखे समझा जाता है वन, अब देखो ये टर्म जो है सेपरेट हो गया एक्स और वाई के हिसाब से, तो ये क्या निकला हमारा आंसर, ये क्या निकला हमारा आंसर, तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर थर्ड जो दे रहा था कि सेम वेरिएबल है तो उसको पहले सिंप्लीफाई करो, उसके बाद जो कंडीशन लगे पावर वाली लगे या प्रोडक्ट के हिसाब से लगे या डिवीजन के हिसाब से, तो वो कंडीशन लगा के उसको सेपरेट करो, तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर सेवन। इससे रिलेटेड बकाया जो प्रॉब्लम है वो भी इसी कंडीशन के हैं सेम कंडीशन के, वो आप घर पर बैठ के ट्राई करो। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम नंबर फाइव यहाँ पे करवा रहा हूँ, बकाया जो तीन या चार प्रॉब्लम रहेंगे वो आप घर पर बैठ के ट्राई करो, जो प्रॉब्लम आपसे नया हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दो ताकि नेक्स्ट डे के अंदर वो चीज़ आपको क्लियर कर दें। तो प्रॉब्लम नंबर
फाइव यहाँ पे करवा देता हूँ। तो प्रॉब्लम नंबर फाइव जो भी है, तो प्रॉब्लम नंबर फाइव के अंदर क्या दे रहा है हमारे पास, लॉग ए ब्रैकेट स्टार्ट वाई जेड पावर माइनस टू ओवर वाई पावर माइनस फोर जेड थ्री ये होल पावर माइनस थ्री डिवाइडेड बाय वाई पावर माइनस वन जेड ओवर वाई पावर टू जेड माइनस थ्री होल पावर फाइव। तो आज फर्स्ट क्या करो, ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करो, सेम वेरिएबल है तो उसको सिंप्लीफाई करो, उसके बाद जो कंडीशन बने तो पावर लॉ वाली कंडीशन बने या प्रोडक्ट के हिसाब से या डिविजन के हिसाब से वो सिंप्लीफाई करो। तो सॉल्यूशन लॉग ए सेम, पहले क्या करना है इसको ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है। अब देखो कि ये पावर सेम रखो माइनस टू, ये y जेड पावर माइनस टू ओवर y पावर माइनस फोर जेड थ्री डिवाइडेड बाय y पावर माइनस वन जेड ओवर y स्क्वायर जेड पावर माइनस थ्री ये पावर फाइव से। अब देखो ये अपान में तो मतलब क्या कि बेस से में ऊपर जाएगा तो पावर क्या होगा माइनस वाला, प्लस में हो जाएगा प्लस वाला माइनस। तो ये क्या कंडीशन बनेगी, लॉग ए y, ये भी y ये भी y, और माइनस का है ऊपर जाएगा प्लस होगा ये वन प्लस फोर, ये जेड सेम है जेड सेम, ये माइनस का टू ये ऊपर जाएगा माइनस का थ्री ये होल पावर माइनस थ्री सेम डिवाइडेड बाय वाई माइनस वन ये ऊपर जाएगा माइनस का टू जेड सेम ये माइनस का थ्री ऊपर जाएगा प्लस का थ्री ये होल पावर फाइव सेम। ये कंडीशन क्या बनी हमारे पास, लॉग ए y पावर फाइव डेट पावर माइनस फाइव ये होल पावर माइनस थ्री डिवाइडेड बाय y पावर माइनस थ्री डेट पावर फोर ये होल पावर फाइव से। अकॉर्डिंग टू पावर लॉ, ये जो पावर लॉ है तो पावर क्या होगा इस पावर के साथ मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई करो तो ये कंडीशन क्या बनेगी, लॉग ए y पावर फाइव मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री डेट पावर माइनस फाइव मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री डिवाइडेड बाय वाई पावर माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय फाइव जेड पावर फोर मल्टीप्लाई बाय फाइव ब्रैकेट की लोड। तो ये कंडीशन क्या बनेगी, लॉग ए वाई पावर माइनस फिफ्टीन जेड पावर प्लस का फिफ्टीन डिवाइडेड बाय वाई पावर माइनस फिफ्टीन जेड पावर ट्वेंटी। आ जाओ अब अगेन कौन सी कंडीशन, ये बेस सेम है और ये दोनों आपस में क्या डिवाइड कर रहे हैं तो पावर क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट नेगेटिव वाला पॉजिटिव में पॉजिटिव वाला नेगेटिव में। तो ये लॉग ए ये वाई ये भी वाई ये माइनस का 15 ये माइनस का है तो ये क्या होगा प्लस 15 हो जाएगा जेड पावर 15 ये प्लस का है तो ये क्या होगा माइनस 15 20 हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करो तो ये ख़त्म हो जाएगा वाई पावर ज़ीरो ये जेड पावर माइनस फाइव वाई पावर ज़ीरो। तो एज वाई पावर ज़ीरो किसके बराबर होगा वन के, तो किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर ज़ीरो हो जाता है वो नंबर किसके बराबर वन के। तो ये कंडीशन क्या बनी हमारे पास, लॉग ए वाई की पावर ज़ीरो वन के बराबर मल्टीप्लाई बाय जेड पावर माइनस फाइव। अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, लॉग ए जेड पावर माइनस फाइव। अब यहाँ पर कंडीशन कौन सी, पावर लॉ वाली, तो पावर आगे लेके आना है एज लॉग ए एम पावर एन किसके बराबर एन लॉग एम, तो पावर आगे लेके आओ तो ये माइनस फाइव आगे आ गया लॉग ए जेड। अब ये सेपरेट हो गया, ये क्या सेपरेट हो गया हमारे पास लॉग ए, तो ये क्या होगा हमारा आंसर, ये क्या होगा आंसर। तो इसी से रिलेटेड जो बकाया प्रॉब्लम है वो भी इसी कंडीशन के हैं, जस्ट वैल्यू चेंज हो जाएंगे।
तो वो चीज़ आप घर पर बैठ के ट्राई करो। अगर जो प्रॉब्लम आपसे नहीं हो रहा तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करो, ताकि नेक्स्ट डे के अंदर वो चीज़ आपको क्लियर कर पाए। तो अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।